नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। कांस्टेबल के लिए 9212 पदों के लिए आज से करें आवेदन। 107 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है आरक्षित। केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ में टेक्निकल और ट्रेडर्स मैन कांस्टेबल के 9212 पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी कि 27 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 25 अप्रैल तक वेबसाइट www.crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन व नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 से 25 जून के बीच जारी की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित अंग्रेजी और हिंदी में होगी। प्रवेश परीक्षा 1 से 13 जुलाई के बीच संभावित है। आवेदन या अन्य किसी जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को हेल्पलाइन नंबर 011-261-602-55 पर संपर्क कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। नियुक्ति जो है डोमिसाइल के आधार पर होगी। परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में शामिल होना होगा। कागजात सत्यापन और मेडिकल जांच के बाद मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि 9212 पदों में से 107 महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। पीएम नरेंद्र मोदी गोड्डा संसदीय क्षेत्र की 10,000 करोड़ की योजनाओं का कर सकते हैं उद्घाटन और शिलान्यास। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोड्डा संसदीय क्षेत्र की कुल 10,000 करोड़ की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने देवघर या गोड्डा आ सकते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के वर्चुअल होने की भी संभावना है। इन परियोजनाओं में देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हस्टिया रेल लाइन का उद्घाटन समेत गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन, करीब 1,000 करोड़ का देवघर वासुकीनाथ फोरलेन, NH-133 हस्टिया से महागमा फोरलेन के साथ साथ पुड़ियाहाट गोड्डा व महागमा बाईपास का शिलान्यास होना है। आप सबको बता दूं कि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी से मिलकर इन चारों परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का आग्रह किया है। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड स्टेट ओलंपियाड में सफल संथाल परगना के 13 विद्यार्थियों को रांची में करेंगे पुरस्कृत। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में झारखंड स्टेट ओलंपियाड 2022 में विभिन्न विषयों में सफलता हासिल करने वाले संथाल परगना के 13 प्रतिभागियों को 27 मार्च को यानी कि आज को रांची में मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड स्टेट ओलंपियाड में संथाल परगना से गणित विषय में 7, जनरल नॉलेज विषय में 3, सोशल साइंस में 2 व साइंस में 1 छात्र ने सफलता हासिल की है। विभाग के उप निदेशक के द्वारा पत्र जारी कर निर्धारित तिथि को अभिभावकों और बच्चों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार गणित विषय में गोड्डा के नयन कुमार और निर्मल कुमार ने स्वर्ण पदक, देवघर के सुधांशु कुमार वर्मा और जमतरा के एके यादव ने रजत पदक, जमतरा के म्यान मंडल रितेश गुराई और गौरव मंडल ने कांस्य पदक हासिल किया है। जनरल नॉलेज विषय में दुमका के संतोषनी सोरेन ने रजत, पाकुड़ के करण कुमार और जमतरा के म्यान मंडल ने कांस्य पदक जीता है। सोशल साइंस में जमतरा के गौरव मंडल ने रजत और पाकुड़ के शाह ने कांस्य पदक तथा साइंस में जमतरा के गौरव मंडल ने रजत पदक हासिल किया है। आप सबको बता दूं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जैक, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी प्रोजेक्ट भवन रांची में 27 मार्च को यानी कि आज मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा। देवघर से 12 यात्रियों को लेकर उड़ी पटना की पहली फ्लाइट, सप्ताह में 4 दिन मिलेगी सेवा। देवघर एयरपोर्ट से पटना के लिए रविवार से विमान सेवा शुरू हो गई। देवघर से सुबह 11:15 पर उद्घाटन फ्लाइट 12 लोगों को लेकर पटना के लिए उड़ान भरी। इस दौरान यात्रियों में काफी खुशी देखी गई। आप सबको बता दूं कि देवघर से पटना की दूरी यह फ्लाइट 1 घंटे में तय करेगी। उद्घाटन फ्लाइट से पटना जाने वाले यात्रियों को देवघर एयरपोर्ट पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई दी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर पटना जाने वाले यात्रियों का स्वागत एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप डिंगरा और इंडिगो के स्टेशन मैनेजर प्रवीण मिश्रा ने किया। साथ ही यात्रियों के साथ उन्होंने फीता भी काटा। पटना के लिए देवघर सप्ताह में 4 दिन यानी कि शनिवार, सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को फ्लाइट मिलेगी। इधर देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा आज यानी कि सोमवार से शुरू हो रही है। आप सबको बता दूं कि पहले दिन उद्घाटन फ्लाइट से रांची जाने के लिए रविवार देर शाम तक 25 लोगों ने बुकिंग करा ली थी। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो के चिड़िया बेड़ा जंगल में फिर आईडी ब्लास्ट, महिला की हुई मौत।
पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोंटो थाना क्षेत्र के तुभाका के चिड़ियाबेड़ा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आकर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, दूसरी महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मृतिका की पहचान 63 वर्षीय गुरुवारी तामसोय के रूप में हुई। गंभीर रूप से जख्मी महिला 60 वर्षीय चांदू कोई तामसोय है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा में भर्ती करवाया है। दोनों महिला मुफसिल थाना क्षेत्र के अंजत बेड़ा गाँव की निवासी है। घटना शनिवार दिन के करीब 3 से 4 बजे के बीच की है। जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ, जुगवार और जिला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। महिलाओं को बरामद कर सदर अस्पताल लाया गया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों महिला जंगल से जलावन और पत्ता लाने गई थी। महिला तुभाका और चिड़ियाबेड़ा जंगल के बीच लकड़ी चुन रही थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा पुलिस को टारगेट करने के लिए लगाए गए आईडी की चपेट में आ गई। अचानक से विस्फोट हुआ और दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हजारीबाग में पुलिस और टीपीसी उग्रवादी के बीच फायरिंग, एक हुआ गिरफ्तार, एरिया कमांडर समेत 5 फरार। हजारीबाग और रांची के सीमांत क्षेत्र दमारो जंगल में पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां दोनों ओर से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस बल को भारी पड़ता देख टीपीसी का एरिया कमांडर पहाड़ी उर्फ रामेश्वर महतो समेत 5 उग्रवादी भाग निकले, जबकि एक उग्रवादी शंकर कुमार महतो पकड़ा गया। आप सबको बता दूं कि हजारीबाग एसपी मनोज रत्न चौथी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हजारीबाग और रांची जिला की सीमा पर स्थित डमरू जंगल में टीपीसी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य एरिया कमांडर पहाड़ी उर्फ रामेश्वर महतो, विक्रम उर्फ मुनेश्वर गंजू, गुरुदेव प्रताप उर्फ दिवाकर सहित कई अन्य सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर हजारीबाग जिला बल और रांची जिला बल के जवानों की एक संयुक्त छापामारी टीम का गठन किया गया। दोनों जिले की टीम के द्वारा अलग अलग दिशा से जंगल की घेराबंदी की गई। पुलिस बल से घिरा देखकर उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल की ओर से भी फायरिंग की गई। पुलिस बल को भारी पड़ता देखकर उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। परिवार संग दिवड़ी मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, माथा टेक लिया माँ का आशीर्वाद। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में पूरे परिवार के साथ दर्शन किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आरती लेते हुए नजर आए। उन्होंने राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव की भी कामना की। बता दें कि देवड़ी मंदिर में माता की उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा भी की। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आई। पूजा करने के दौरान वहां मौजूद पंडित के द्वारा उनके कलाई पर रक्षा सूत्र भी बांधा गया। सफेद शर्ट के ऊपर उन्होंने चुनरी भी रखी हुई थी। गढ़वा में झमाझम बारिश के साथ पड़े ओले, बर्फ के टुकड़ों से पटे घर, किसान हुआ परेशान। रविवार को दोपहर गढ़वा जिले के केतार प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश के साथ ओले भी पड़े। अचानक जोरदार बारिश के साथ ओले पड़ने के कारण लोगों के घर छोटे छोटे बर्फ के सफेद टुकड़ों की चादर से पट गए। यह दृश्य देखने में काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन इस बारिश और ओले के कारण किसानों को काफी नुकसान भी हो गया। बता दें कि गढ़वा के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर अचानक बारिश और ओले पड़ रहे हैं, जिसके कारण खेतों में खड़ी गेहूं, मसूर, चना, अरहर, सरसों आदि रबी फसलें खराब हो रही है। बारिश और ओले के कारण फसलों में लगे दाने झड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, फसलों में कीड़े भी लगने लगे हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने अपने फसलों को आनंद फानन में काट कर खलियान में रखे थे, उन्हें भी बारिश के कारण कटी फसलों को सड़ने का डर सता रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का सत्याग्रह, कहा बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। इस घटनाक्रम के विरोध में कांग्रेस का देश भर में सत्याग्रह कार्यक्रम चल रहा है। बता दें कि राजधानी रांची में भी यह सत्याग्रह मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप सबको बता दें कि राज्य के कई मंत्री भी इस सत्याग्रह में उपस्थित हुए और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आप सबको बता दूं कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार की ओर से जो भी कमी रहे और गलती की जाए, उस पर आवाज उठाना विपक्ष का काम है और हम विपक्ष में हैं। ऐसे में हम अगर अपना काम कर रहे हैं तो क्यों रोका जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ बोलने पर हमारे नेता पर ऐसी कार्रवाई कर दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सजा अगर कम मिलती तो उनकी सदस्यता बच जाती, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि उनकी सदस्यता चली जाए। झारखंड में मौसम को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, 1 अप्रैल तक राज्य के सभी इलाके में बारिश का है पूर्व अनुमान।
रांची समेत राज्य के कई जिलों में अभी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। लोगों को अभी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का भी सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने संभावित मौसम को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में बारिश होगी। वहीं 27 मार्च को वज्रपात और ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं दिन भर आसमान में बादल भी छाए रहने के आसार हैं। 1 अप्रैल तक लगभग जिले में हर दिन बारिश होगी। आप सबको बता दूं कि 24 घंटों की बात करें तो धनबाद में 5.2 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं जमशेदपुर में तापमान 37 डिग्री तक पहुँच गया है, जबकि डाल्टनगंज में मिनिमम टेम्परेचर 18.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं बारिश के बाद राज्य में एक बार फिर से तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। झारखंड के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। जंगल में महुआ चुन रही महिला को हाथियों ने मार डाला, एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के महुआटांड क्षेत्र अंतर्गत गोमिया वन प्रक्षेत्र के कुसुमडी बगलाता जंगल में रविवार की सुबह महुआ चुन रही सरैयाडीह निवासी सिंती देवी, जिनका उम्र 54 वर्ष है, हाथियों ने पटक कर मार डाला। वहां मौजूद कुछ बच्चियों और ग्रामीणों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई और गांव में पहुंचकर घटना की जानकारी दी। जबकि जंगल मार्ग से बाइक से गुजर रहे विनोद करमाली, जिनका उम्र 30 वर्ष को भी हाथियों ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस हमले में वह बाल बाल बचा, लेकिन अंदरूनी चोटें लगने से वह दर्द से परेशान था। दोनों घटनाएं सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे के बीच की बताई जाती है। पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने मृतका के आश्रित पति बड़नसी को वन विभाग की ओर से तत्काल ₹25,000 मुआवजा दिया और शेष ₹3,75,000 आवश्यक प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान कराने का भरोसा दिया। बोकारो की महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, जच्चा बच्चा स्वस्थ। बोकारो में मुस्कान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चास में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, सभी स्वस्थ हैं। मुस्कान अस्पताल में एक साथ 3 बच्चों के जन्म देने का यह 6ठा मामला है। महिला प्रियंका धनबाद जिले के झरिया थाना के मनबाद की रहने वाली है। महिला के पिता विवेक साव ने कहा कि घर में खुशी का माहौल है। मालगाड़ी पर लदी रेल पटरी से टकराया इंजन, ट्रेनों का परिचालन हुआ बाधित, DRM ने दिया जांच का आदेश। गोमो कोडरमा रेलखंड पर रविवार की सुबह एक मालगाड़ी में लदी रेल पटरी से अपलाइन पर आ रही मालगाड़ी का इंजन टकरा गया। घटना के कारण अप तथा डाउन लाइन पर राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। इसके बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। कोडरमा गया रेलखंड हिरोडी के समीप मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में ECR के DRM कमल किशोर सिन्हा ने जांच का आदेश दिया है। DRM के निर्देश पर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। आप सबको बता दूं कि कोडरमा की ओर से रेल पटरी लदी एक मालगाड़ी हिरोडी स्टेशन की ओर आ रही थी। इसी दौरान लदी भी एक पट्टी छिटक कर अप लाइन की ओर आ गई और अप लाइन पर आ रही PADH नामक मालगाड़ी का इंजन उसी पटरी से टकरा गया। चालक दल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को तत्काल रोक। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।